Hey, what's up guys, वेलकम टू माई चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना 340 के। उसके लिए 340 को यहाँ पे लिखें, लास्ट डिजिट चेक करें, जीरो है। ठीक है, हम यहाँ पे टू फैक्टर ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जब भी हम फैक्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले टू से स्टार्ट करते हैं कि टू यहाँ पे ले सकते हैं कि नहीं। ले सकते हैं तो ले लें, नहीं तो फिर टू रिजेक्ट हो जाएगा और फिर थ्री फैक्टर के बारे में सोचेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखें, टू के लिए ये रूल होता है, टू फैक्टर लेने के लिए लास्ट डिजिट या तो जीरो हो, टू हो, फोर हो, सिक्स हो या एट हो। तो हमारे पास जीरो है, इसका क्या मतलब हम यहाँ पे टू फैक्टर ले सकते हैं। टू के टेबल में थ्री आता नहीं आता, अब क्या करें, ये कट होकर टू बन जाएगा। टू के टेबल में टू आ गया, वन जा थ्री था, टू बन आ, इसका वन कहाँ गया, इसने इसको कैरी दे दिया, ये बन गया 14। टू के टेबल में 14 आ गया, सेवन जा, ये जीरो का जीरो आ गया। अब देखिए, आपके पास फिर से लास्ट डिजिट जो है जीरो है, इसका मतलब हम यहाँ पे फिर से टू फैक्टर ले सकते हैं। टू के टेबल में 17 आता नहीं आता, लेकिन क्या आता है, 16 आता है, तो ये क्या बन गया, 16 बन गया। टू के टेबल में 16 आ गया, 8 जार, ये 17 था, 16 बना, इसका वन कहाँ गया, इसने इसको कैरी दे दिया, बन गया 10। टू के टेबल में 10 आता है, 5 जार, यस हमारे पास आ गया 85। ठीक है, लास्ट डिजिट चेक करें, 5 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं, देखें नहीं ले सकते क्योंकि लास्ट डिजिट तो 5 है, तो उसके लिए तो इनमें से कोई नंबर होना ज़रूरी था, 0, 2, 4, 6 या 8। तो हमारे पास तो यहाँ पे 5 आ रहा है, इसका क्या मतलब है, हम यहाँ पे नहीं ले सकते 2। ठीक है, 3 के लिए ये रूल होता है, हमारे पास हमने डिजिट्स को प्लस करना है, प्लस करके अगर तो कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो कि 3 के टेबल में आ रहा है, तो आप यहाँ पे 3 फैक्टर ले लें, वरना 3 भी नहीं ले सकते हम यहाँ पे। ठीक है, तो 3 फैक्टर के लिए क्या ज़रूरी होता है, हमने प्लस करना है, प्लस करके क्या आ रहा है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, हमारे पास तो 13 आ रहा है, तो 3 के टेबल में तो 13 नहीं आता, इसका मतलब 3 फैक्टर भी रिजेक्ट हो गया। अब हम 4 के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट उसके लिए इवन होना ज़रूरी है, तो 5 आ रहा है। अब 5 फैक्टर के लिए क्या ज़रूरी होता है, हमने देखना है कि लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, तो हमारे पास 5 फैक्टर लेने के लिए ये ज़रूरी होता है, तो हमारे पास तो 5 आ रहा है, इसका क्या मतलब हम यहाँ पे 5 फैक्टर ले सकते हैं। 5 के टेबल में 8 आता है नहीं आता, लेकिन 5 तो आता है, तो हम यहाँ पे 8 की जगह 5 लिख लेंगे, 5 बन गया ये। ठीक है, 5 कितनी था, 5 आ जाएगा 1 जार, 8 था, 5 बना, इसका 3 कहाँ गया, इसने इसको दे दिया कैरी, ये बन गया 35। 5 के टेबल में 35 होता है, 7 जार, अब हमारे पास आ गया 17। ठीक है, 17 2 के टेबल में भी नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता। 17 एक फिर प्राइम नंबर है, जो कि इन चारों टेबल में से किसी में नहीं आ रहा, तो वो प्राइम नंबर होता है, वो सिर्फ फिर अपने टेबल में आएगा। तो क्या आ गया, 17 वन जार 17, प्राइम फैक्टर 340 के क्या निकला, ये 2 × 2 × 5 × 17। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख लें, ये 5 है। ठीक है, तो हमने इस तरह प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिए विद कॉन्सेप्ट कि ये 2 आएगा तो 2 क्यों आएगा, 5 फैक्टर ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।